हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक सर्च इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में डिजिटल फॉरेंसिक का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है 2024 वाला। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 120 तक क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जनरल फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 120 तक डिजिटल फॉरेंसिक के क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा। DAPCL साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन, अदर फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन, इसके लिए ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 51 वाला है, व्हाट इज द डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइमरली कंसर्न विथ। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मेन कंसर्न क्या है? तो ए में लिखा है रिकवरिंग द लॉस्ट डाटा, बी में इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इन्वॉल्विंग डिजिटल डिवाइसेस, सी में लिखा है इनहांसिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, डी में है प्रोटेक्टिंग द डिजिटल असेट्स। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी कोई डिजिटल डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल CD होगा, पेन ड्राइव होगा, हार्ड डिस्क होगा, मोबाइल फोन होगा, उसमें से कोई अगर क्राइम हुआ होगा तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का कौन सा टाइप नहीं है, नॉट बोला है। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम डाटा रिकवरी करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, मालवेयर एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं किया जाता। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए एक सेपरेट ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं हम फॉरेंसिक ऑडिटिंग। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस का प्राइमरी गोल क्या है? तो प्रिजर्विंग द एविडेंस इंटीग्रिटी, यह इसका गोल होता है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सस्पेक्ट, वो इसका गोल नहीं है। रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स, देन इनहांसिंग डाटा इंक्रिप्शन, ये सारे हम प्रोसेस इसमें करते हैं, डिलीटेड फाइल को रिकवर करना, डाटा इंक्रिप्शन को इनहांस करना। बट एनालिसिस का काम क्या है, दैट इज प्रिजर्विंग द एविडेंस इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक में कौन सा स्टेप यहाँ पर नहीं है? तो डाटा एनालिसिस करते हैं हम डिजिटल फॉरेंसिक में, एविडेंस को कलेक्शन करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। सस्पेक्ट इंटोग्रेशन, यह डिजिटल फॉरेंसिक में नहीं होता। अपन इसको बोल सकते हैं हम कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होता है उसमें हम सस्पेक्ट को इंट्रोगेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इंट्रोडक्शन, इट इज अ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लीगल प्रिंसिपल्स गवर्न डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है? तो दैट इज नोन एज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी मीन्स क्या होता है, इन शॉर्ट हम उसको COCP बोलते हैं। ये जो एविडेंस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जाता है, तो उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सिग्नेचर वगैरह लेते हैं, उस पर्सन का नाम लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। तो इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ दैट एविडेंसेस। ठीक है, जो भी कोई एविडेंस एक पर्सन के हाथ से दूसरे पर्सन के हाथ में जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसी को ही हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। ठीक है, या हिबस कॉर्पस होता है ये, देन डबल जेपर्डी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। डबल जेपर्डी मीन्स क्या होता है कि एक ही क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं होता। हिबस कॉर्पस मीन्स उस पर्सन को उपस्थित करना, प्रेजेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू एक्वायर डिजिटल एविडेंस। ठीक है, डिजिटल एविडेंस को एक्वायर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो डिस्क इमेजिंग, जो भी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क वगैरह, तो उसका हम इमेज कर लेते हैं और फिर उसको आगे जाके हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द एविडेंस, रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करना यानी कि जो क्राइम हुआ है या कोई फैक्ट हो गई है तो उसको क्या करना है, हमें फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो कैसे हुई होगी वो फाइंड आउट करना है। तो डिजिटल में हम क्या करते हैं, टाइमलाइन एनालिसिस करते हैं, कौन से टाइम पे क्या हो गया था, तो इससे हम उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज इन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कौन सा चैलेंज है? तो जो डाटा इंक्रिप्शन होता है, डाटा इंक्रिप्शन, या मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ चैलेंजेस इन द डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज मेटा डाटा प्ले इन अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मेटा डाटा क्या होता है? जो डाटा होता है उसका जो डाटा है उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। तो वो क्या करता है हमें, इट विल प्रोवाइड द कंटेंट्स टू डिजिटल एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। ठीक है, कौन सा नीचे में से कॉमन सोर्स है डिजिटल एविडेंस का? तो फिजिकल डॉक्यूमेंट, ये डिजिटल में नहीं आते, फिजिकल एविडेंस होगा वो। आई विटनेस, ये भी अपना डिजिटल एविडेंस नहीं है। वीडियो सर्विलेंस फुटेज, ये फिजिक्स में हम देखते हैं। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती है वो पोस्ट अपना डिजिटल एविडेंस का कॉमन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेटवर्क फॉरेंसिक प्राइमरली कंसर्न विथ। नेटवर्क फॉरेंसिक में हम क्या देखते हैं, वी एनालाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, उस नेटवर्क में कहाँ कहाँ से ट्रैफिक हो रहा है वो हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। नेटवर्क फॉरेंसिक का अभी आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा टाइप कॉमन नहीं है? तो इसमें हम इंट्रूजन डिटेक्शन करते हैं, पैकेट स्निपिंग करते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं। डेटा रिकवरी या नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, यह डिजिटल फॉरेंसिक का पार्ट है डेटा रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक का क्या गोल होता है, अभी देखा था हमने, जो नेटवर्क पे एक्टिविटी होता है, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। नॉट पूछा गया है, ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन लैब में पूछे जाते हैं, फॉरेंसिक साइंस लैब का जो एग्जाम होता है उसके लिए, यह भी फैक्ट प्लस का ही क्वेश्चन पेपर है। तो कौन सा प्रोसेस नहीं है ये पूछा गया है। तो नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम रिपोर्ट बनाते हैं। सस्पेक्ट इंटरोगेशन, ये इसका टाइप या ये प्रोसेस नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर डिजिटल फॉरेंसिक के लिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन नेटवर्क फॉरेंसिक के लिए। देन नेटवर्क फॉरेंसिक का ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा गया था, व्हाट लीगल प्रिंसिपल्स गवर्न नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अभी देखा हमने जो चेन ऑफ कस्टडी होता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आवर सिक्वेंस फ्रॉम विच पर्टिकुलर एविडेंस गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसका जो लिस्ट होता है उसको बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज इन नेटवर्क फॉरेंसिक टू एक्वायर एविडेंस। ठीक है, तो नेटवर्क फॉरेंसिक में हम एविडेंस लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉकेट कैप्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी ब्रीचेस। ठीक है, अगर किसी नेटवर्क में सिक्योरिटी कम है, ज़्यादा है, कुछ लूप होल्स है, तो उसको हम इंट्रूजन डिटेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज इन नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमने ऊपर देखा था डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डाटा इंक्रिप्शन होता है, ये उसका चैलेंजेस है। लाइकवाइज नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या है, सेम है, जो कि डाटा होता है इंक्रिप्ट, वो हमें चैलेंजेस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज मेटा डाटा प्ले इन अ नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जो डिजिटल में होता है लाइकवाइज सेम इधर नेटवर्क फॉरेंसिक जैसा है, इट विल प्रोवाइड द कंटेंट्स टू डिजिटल एविडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ डिजिटल एविडेंस इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स। ठीक है, नेटवर्क फॉरेंसिक में हमें कौन सा एक सोर्स है कि जो जिससे हम डिजिटल एविडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नेटवर्क फॉरेंसिक में हमें पता है, हमें नेटवर्क इंटरनेट का जो नेटवर्क वगैरह चाहिए होता है उसके लिए हम राउटर्स एंड स्विचेस यूज करते हैं, उसमें से हमें यह डिजिटल एविडेंस मिल सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मोबाइल फोन फॉरेंसिक प्रोसेस। ठीक है, तो मोबाइल फोन में भी हमें इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ये जब हम लैब में सबमिट करते हैं। ठीक है, किसी क्राइम में अगर हमने मोबाइल सीज किया होता है तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है मोबाइल फोन फॉरेंसिक में? सो वी एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, जो मोबाइल फोन है उसमें से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन चैलेंज इन अ मोबाइल फॉरेंसिक्स। ठीक है, मोबाइल फॉरेंसिक में कौन सा कॉमन चैलेंज नहीं है? तो इनक्रिप्टेड डाटा ये चैलेंजेस है, कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट ये थोड़ा चैलेंजेस है, इनकम्पेटिबिलिटी विद फॉरेंसिक टूल्स ये चैलेंज है, बट लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन द डिवाइस ये कोई चैलेंजिंग वाला नहीं है। ठीक है, जितना उस मोबाइल में स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिस्प्यूटेड होगा उसमें, उसको हम यहाँ पर लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में DAPSL सर्टिफिकेशन का एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए हमने इसके जैसे ही PYQ का भी हमारे यहाँ पर क्या किया, हमने एक बैच बनाया है। डिफरेंट डिफरेंट जो PYQs आते हैं फॉरेंसिक साइंस वाले, तो उसका 1000 PYQ का बैच है। देन इसका जो मॉडल आंसर या मॉडल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं हम उसको, उसके क्वेश्चन पेपर का भी मटेरियल है, प्लस फॉरेंसिक साइंस का जो भी मटेरियल है उसका भी बैच यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वाला, व्हाट डज द टर्म IMEI स्टैंड्स फॉर इन मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स। ठीक है, तो ये IMEI नंबर क्या होता है, इट इज़ अ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। हर एक मोबाइल में हमें ये नंबर मिलता है। ठीक है, *#06#, ये अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो हमें उस मोबाइल का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, दैट इज़ IMEI नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये यूनिक नंबर होता है उस मोबाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू बाईपास लॉक डिवाइसेस इन मोबाइल फोन फॉरेंसिक। ठीक है, तो लॉक डिवाइसेस होता है उसको बाईपास करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे हम जेल को ब्रेक करते हैं, लाइक वाइज सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पर जेल ब्रेकिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कॉमनली रिकवर्ड फ्रॉम मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में हमें कौन सा डाटा मिल सकता है मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, जो भी कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो आप यहाँ पे मिलेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये मिल सकता है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल मैटर होता है तो हम उसमें देखेंगे, लेकिन अगर कोई मोबाइल फ़ोन होता है डिजिटल एविडेंस के लिए, हमने अगर उसको लैब में सीज करके लेकर आए तो उससे हम ब्राउजर हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। DNA प्रोफाइल हम DNA केसेस में देखते हैं, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट ये भी यहाँ पर कोई उसका यूज़ नहीं है, तो हम ब्राउजर हिस्ट्री यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू रिकवर डिलीटेड डाटा फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मोबाइल में से अगर कोई फाइल को, कोई मैसेज को अगर डिलीट किया होता है तो उसको हम रिकवर करते हैं, उसको बोला जाता है कार्विंग और फाइल कार्विंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेक्स डंप एनालिसिस। ठीक है, ये एक प्रोसेस किया जाता है एक्स डंप एनालिसिस, तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी एग्जामिन द रॉ डेटा एट अ बाइनरी लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन एंड्रॉयड डिवाइस एंड पजेस चैलेंजेस फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ड्यू टू इट्स फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो कौन सा फाइल सिस्टम होता है यहाँ पर, दैट इज एक्सटेंशन 4 EXT4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोर्स इन क्लेव इन मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स पर्टिकुलरली इन iPhones। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव डेटा सच एज बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू बाईपास इनक्रिप्शन ऑन मोबाइल डिवाइसेज बट इज हाईली इंट्रूजिव एंड मे वाइड वारंटीज। ठीक है, तो NAND मिररिंग होता है, ये क्या करता है, इनक्रिप्शन को बाईपास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स प्राइमरली कंसर्न विद। सोशल मीडिया फॉरेंसिक क्या होता है, तो वी इन्वेस्टिगेट क्राइम्स कमिटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्राइम्स होते हैं ये सारे हम सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स में डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ सोशल मीडिया क्राइम। सोशल मीडिया के क्राइम में से कौन सा क्राइम ये कॉमन नहीं है, तो साइबर बुलिंग ये सोशल मीडिया का क्राइम है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, वीडियो गेम चीटिंग। ठीक है, ये कोई सोशल मीडिया का क्राइम नहीं है, तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग मेटा डेटा इन सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स। ठीक है, तो सोशल मीडिया फॉरेंसिक में हम मेटा डेटा का क्या यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन सोशल मीडिया फॉरेंसिक प्रोसेस। सोशल मीडिया फॉरेंसिक में हम कौन सा स्टेप फॉलो नहीं करते, तो हम जो भी सोशल मीडिया पे होता है तो उसका कलेक्शन एनालिसिस प्रिजर्वेशन हम करते हैं, क्रिएशन नहीं करते, हम कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका स्टेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीगल चैलेंजेस माइट अराइज व्हेन कंडक्टिंग सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स। ठीक है, सोशल मीडिया फॉरेंसिक को अगर हम एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो प्राइवेसी कंसर्न आ सकता है,
ठीक है, कॉपीराइट इंप्रिजनमेंट आ सकता है, डिफेमेशन आ सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू प्रिजर्व सोशल मीडिया एविडेंस। सोशल मीडिया के एविडेंस के लिए प्रिजर्व करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? टेकिंग स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो कर सकते हैं, हम लॉगिंग इन टू यूजर्स अकाउंट कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डिलीटेड सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया का कोई पोस्ट डिलीट किया होता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं डेटा रिकवरी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू जियो टैग्स प्ले इन सोशल मीडिया फॉरेंसिक। ठीक है, जियो टैग क्या करता है? सबको पता है हमें, ये जियो टैग्स है, वी विल फाइंड और वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स फिजिकल लोकेशन। ठीक है, तो उस मोबाइल का लोकेशन कहाँ पे, ये हम इस जियो टैग से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एज एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, सोशल मीडिया को हम एविडेंस बोल के कोर्ट में अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा लिमिटेशन है? तो इट इज, दैट इज इनएबिलिटी टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। मीन्स ये अकाउंट किसका है ये हम ऑथेंटिफाई या वेरीफाई कर नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी प्राइमरली कंसर्न विथ। क्रिप्टोग्राफी मीन्स क्या होता है? तो इट विल सिक्योर द कम्युनिकेशन एंड द डाटा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर हम डाटा फॉरवर्ड करते हैं और एक बीच में कोई थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर सके, इसलिए हम उसको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसको क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो इट विल सिक्योर द कम्युनिकेशन एंड द डाटा बिटवीन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन गोल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का कौन सा गोल नहीं है? क्रिप्टोग्राफी से हम कॉम्पिटेशनलिटी डाटा में रख सकते हैं, उसका इंटीग्रिटी मेजर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इफिशियंसी रख सकते हैं, लेकिन ये सबको अवेलेबल नहीं होता और यही इसका क्या बोला यहाँ पर, कॉमन गोल नहीं है। किसी को वो अवेलेबल ना हो इसलिए हम उसको क्रिप्टो या क्रिप्टोग्राफी करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंक्रिप्शन इन क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। तो इंक्रिप्शन का पर्पज क्या होता है? तो इंक्रिप्शन से हम डाटा को हाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हो डाटा हो उसको हम हाइड करते हैं, छुपाते हैं। और डिक्रिप्शन होता है उससे क्या करते हैं, हम जो भी डाटा इंक्रिप्ट किया है उसको फिर हम रीड करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। क्रिप्टोग्राफी का कौन सा टेक्निक नहीं है? सीजर साइफर है, हैश फंक्शन है, पब्लिक की इंक्रिप्शन है, डाटा कॉम्प्रेशन नहीं है, इसका टेक्निक नहीं है। ठीक है, जो बड़ा डाटा है उसको कॉम्प्रेस करना है, यह इसका टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइबर टेक्स्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं हम इनक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट होता है वो किसी को रीड ना कर पाए इसलिए हम उसको साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। और डिक्रिप्शन में क्या होगा, यह साइबर टेक्स्ट को फिर हम प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल फॉर्मेट में करेंगे, उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक की। क्रिप्टोग्राफिक की का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो पब्लिक की होता है, प्राइवेट की होता है, सेशन की होता है, हैश की इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का पर्पज क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है डाटा इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अल्गोरिदम। ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अल्गोरिदम का कौन सा एग्जांपल नहीं है? तो रिवेस, चेमिन, एडिलमैन, ये इसका एग्जांपल नहीं है। बाकी के जो ऊपर वाले है, ए एस है, डी एस है, थ्री डी एस है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइबर टेक्स इंटू प्लेन टेक्स। अभी ऊपर हमने देखा था, ऊपर क्वेश्चन आया था प्लेन टेक्स टू साइबर टेक्स, उसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर साइबर टेक्स टू प्लेन टेक्स है, उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम। ठीक है, सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? तो रिवर्सिबिलिटी ये प्रॉपर्टी इसका नहीं है, बाकी इफिशियंसी है, रेजिस्टेंस टू अटैक है, की स्ट्रेंथ, ये सारे प्रॉपर्टी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एग्जामिनिंग लॉग फाइल्स एंड नोटिस सेवरल करेक्शंस अटेम्प्ट टू अ होस्टेड वेब सर्वर।
तो ये सारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यहाँ पढ़ो, उसका आंसर है डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल। ये क्वेश्चन पेपर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी को अगर चाहिए डिटेल्स में तो वो वहाँ जाके उसको देख सकता है। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है लेंदी वाला, उसको पढ़ते नहीं हम, उसमें टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट वाला सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हम, 103 वाला, विच फॉर्म अ कम्युनिकेशन इज अ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन टाइप यूज बिटवीन टू आर मोर पीपल हु यूज मोस्टली टेक्स्ट टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्स्ट किया जाता है रियल टाइम में, तो उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रायोरिटाइज ट्रैफिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैनेज डेटा। डेटा को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रायोरिटाइज है, QoS स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टॉप डाउन ऑर्डर ऑफ द OSI मॉडल, टॉप से लेके डाउन तक। तो पहले हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल, ये टॉप से लेके डाउन तक उसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन यूजिंग अ टेलनेट। ठीक है, तो वर्चुअल टर्मिनल सेशन होता है, दैट इज VTY बोलते हैं हम उसको, ये है कनेक्शन यूजिंग टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सिक्योरिटी इन द इंटरप्राइज इंक्रीजेस, तो क्या होगा उससे, फंक्शनलिटी डिक्रीजेस एंड ईज ऑफ यूज डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू इंश्योर योर मैसेजेस आर सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑब्जर्वेशन, हमने जो मैसेज सेंड किए वो किसी और को न देखा जाए, कोई ना उसको ऑब्जर्व करे, तो उसके लिए हमें उसको सिक्योर करना है। एंड यू वांट टू प्रोवाइड सम मीन्स ऑफ इंश्योरिंग टू आइडेंटिटीज ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, आपने जो मैसेज सेंड किया वो उसी रिसीवर को जाए, उसका आइडेंटिफाई हो जाए। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स यूर गोल्स, तो उसको बोलते हैं हम असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव डिस्कवर दैट एन एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट इज बीइंग यूज्ड रिपीटेडली टू गेन लॉग ऑन प्रिविलेजेस, विच टाइप ऑफ अटैक इज दिस मोस्ट लाइकली टू बी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रीप्ले अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े क्या बोलते हैं हम उसको, केस में एनालिसिस करने के लिए आपको जो चाहिए होता है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यूर सिस्टम हैज बीन एक्टिंग स्ट्रेंजली सिंस यू डाउनलोडेड अ फाइल फ्रॉम अ कलीग, अपॉन एग्जामिंग योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यू नोटिस दैट द वायरस डेफिनेशन फाइल इज मिसिंग, विच टाइप ऑफ वायरस प्रोबेबली इन्फेक्टेड योर सिस्टम। आपने क्या बोला, यहाँ पर आपके कलीग से ये कोई फाइल लिया आपने, उसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो प्रोसेस है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसमें हमें वायरस डेफिनेशन फाइल मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में जो डेस्टिनेशन होता है वो राउटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, रिपेयरिंग होता है। ठीक है, इंटरमेट ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ प्रोसीजर्स पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस दैट कमेंस एट द डिटेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश एक्विजिशन द डेटा एक्विजिशन मेथड कैप्चर्स ओनली स्पेसिफिक फाइल्स ऑफ इंटरेस्ट टू द केस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज आउटलुक PST फाइल्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको लॉजिकल बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। देन नेक्स्ट पूछा गया PM का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, PEM मीन्स प्राइवेसी इनहांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ डुप्लीकेट डाटा दैट इज स्टोर्ड इन अ टेम्पररी लोकेशन टू अलाउ रैपिड एक्सेस फॉर कंप्यूटर्स टू फंक्शन मोर इफिशेंटली इज नोन एज। ठीक है, क्या बोला यार, डुप्लीकेट डाटा जो होता है टेम्पररी लोकेशन में जो स्टोर किया जाता है उसको हम कैचे मेमोरी बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, कैचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट स्टैट कमांड इंडिकेट्स दैट POP3 इज इन यूज ऑन रिमोट सर्वर, विच पोर्ट इज द रिमोट सर्वर, तो पोर्ट 110 होता है, यह POP3 के लिए इम्प्लीकेबल होता है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, स्कैनिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो नेटवर्क स्कैनिंग हो सकता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो सकता है, पोर्ट स्कैनिंग हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेटा एक्विजिशन लाइक लॉजिकल एक्विजिशन दिस डेटा एक्विजिशन मेथड कैप्चर्स ओनली स्पेसिफिक फाइल्स ऑफ इंटरेस्ट टू द केस बट इट ऑल्सो कलेक्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ अनअलोकेटेड डेटा, तो उसको बोलते हैं हम स्पार्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो द टाइमिंग मैकेनिज्म डिवाइस यूज व्हेन ट्रांसमिटिंग द डाटा, तो उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन थे, ये बेसिक साइबर फोरेंसिक के या डिजिटल फोरेंसिक के बोल सकते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर मैं नीचे टेलीग्राम में जो लिंक दिया है वहाँ पे शेयर करा, किसी को चाहिए तो ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, सबको थैंक यू।